अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, टेक्निकल स्टोर में खुश आमदीद। अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको शकरा यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का तरीका उनकी वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जाकर बताया था। आज हमने प्रिंस ताम बिन अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी के बारे में सर्च करना है, तो आपने सिंपली यहाँ इसके आगे जो लिंक है इसको आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद न्यू टैब ओपन करना है, न्यू टैब में आपने इसको जाकर पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप पेस्ट करेंगे इसको तो आपके सामने जो है यूनिवर्सिटी का एक ऑफिशियल साइट आ जाएगी, उसमें जो सबसे फर्स्ट ऑप्शन है आपने उस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद जैसे ही आप यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंचेंगे तो आप देख सकते हैं आपके पास एक इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा जिसमें तमाम चीज़ें अरेबिक में होंगी। अगर आप के पास अरेबिक में शो हो रही हों तो आपने इसको इंग्लिश में कर लेना है। मैं अगर इसको स्क्रॉल डाउन करके दिखाऊँ तो आप देखिए कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी का मुकम्मल ओवरव्यू दिया गया है कि स्कॉलरशिप्स, एडमिशन्स, डीनशिप वगैरह के बारे में मुकम्मल मालूमात दी गई है। ई लर्निंग हो गई, यूनिवर्सिटी की अनाउंसमेंट हो गई। इसमें हमने देखना है कि हमारे जो नॉन सऊदीज के लिए इंटरनल एंड एक्सटर्नल जो स्कॉलरशिप्स दी गई हैं वो किस डिपार्ट में दी गई हैं, किस जगह दी गई हैं। अगर आपके पास अभी भी अरेबिक शो हो रहा है तो आपने ये EN का निशान है इस पर क्लिक कर देना है और आपकी जो साइट है वो इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगी। आपको मुकम्मल लेटर्स अरेबिक की जगह इंग्लिश में दिखाई देंगे। आपने जो है इसके तमाम जो अनाउंसमेंट हैं, जो न्यूज़ हैं, वो भी आपने रीड कर लेना है। इससे आपको आसानी होगी, आपको पता चल जाएगा कि अगर कोई नोटिफिकेशन है तो वो सामने आ जाएगा। इसके बाद आपने ये 3 लाइन्स पर क्लिक करना है ऑप्शंस के निशान पर। इसके बाद आपने इसके जो बार हैं उनको देख लेना है। इसमें आपको एक ऑप्शन डीनशिप का नज़र आएगा, डीनशिप्स के ऑप्शन पे आपने जाना है और इसके बाद आपने डीनशिप ऑफ एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन में चले जाना है। इसमें जाने के बाद जैसे ही उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाए। यहाँ पर आने के बाद आपने सिंपली स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे ही स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको डीनशिप के हवाले से, मतलब एडमिशन के हवाले से, तालीम हासिल करने के हवाले से मुकम्मल न्यूज़ यहाँ पर आपको मिल जाएगी। आपने ऑल न्यूज़ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही ऑल न्यूज़ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर मुकम्मल एक ओवरव्यू या अनाउंसमेंट मिल जाएगी। आप देख सकते हैं कि ये इनरोलमेंट की अनाउंसमेंट है, ये सर्टिफिकेट्स जो दिए जाएंगे ग्रेजुएट जो कर चुके हैं उनके लिए अनाउंसमेंट है। इसमें आपने मुकम्मल अनाउंसमेंट जो है, हम एक रिव्यू ले लेते हैं कि अगर कहीं स्कॉलरशिप का ऑप्शन मौजूद हो तो हम उसको ईजीली फाइंड करके उसमें जा सकें, क्योंकि आपने पिछली यूनिवर्सिटीज़ में भी देखा है कि हमें स्कॉलरशिप का पोर्शन ढूंढने में बड़ी दिक्कत का सामना हुआ था। तो हमने जो है इसको मुकम्मल एक ओवरव्यू ले लेना है, इसका विज़िट कर लेना है। आप अगर इसमें देखें तो इन्होंने अभी तक कोई भी नई जो अनाउंसमेंट है, मतलब जो इस मंथ के हवाले से है या लास्ट मंथ के हवाले से है जब HEC ने स्कॉलरशिप्स का ऐलान किया था, उस हवाले से अभी तक, उसके बाद से अभी तक कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुई। तो हमने मज़ीद सिंपल इसको बनाने के लिए करना ये है कि हमने सिंपल को स्क्रॉल अप कर लेना है। स्क्रॉल अप करने के बाद ये आपको एक ऊपर सर्च का ऑप्शन नज़र आएगा। आपने इस सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पर सिंपली लिख देना है स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप लिखेंगे तो आपके पास जो है इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों स्कॉलरशिप्स के हवाले से जो है इंफॉर्मेशन आ जाएगी। हम देख सकते हैं कि जो मेरे सर्च कीवर्ड थे स्कॉलरशिप, उसके हवाले से मुकम्मल एक इन्होंने ओवरव्यू दे दिया है। इसमें अगर आप लास्ट अपडेट देखें तो 7/29/2021 की लास्ट जो है इन्होंने अपडेट दी हुई है। इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल एडमिशन रिक्वायरमेंट इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्कॉलरशिप के बारे में बता रहे हैं, दूसरा भी वही पोर्शन है। तो आप अगर इनके रिक्वायरमेंट्स देखना चाहते हैं तो आपने सिंपली इन दोनों में से किसी एक पे क्लिक कर देना है। एक 2021 की है, दूसरी 2020 की है। आपने इसका एक मुकम्मल ओवरव्यू ले लेना है कि इसके रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, क्या क्या चीज़ ज़रूरत है इंटरनल ग्रांट्स के लिए या एक्सटर्नल ग्रांट्स के लिए। मुकम्मल ओवरव्यू लेने के बाद जो अगर मैं आपको स्क्रॉल डाउन करके दिखाऊं तो यहाँ पर इनका कॉन्टैक्ट इन्फो दिया गया है, मतलब अगर इन कॉन्टैक्ट करना चाहता है नीचे जो है जीमेल भी दी गई है, ईमेल दी गई है, फ़ोन नंबर भी हैं। आप इन नंबर्स पर रब्ता करके जो है स्कॉलरशिप के हवाले से मुकम्मल इनसे गाइडेंस ले सकते हैं। मैं अगर बैक करूँ और आपको डेट के हवाले से दिखाऊँ तो ये आप देख सकते हैं 7/29/2021
21 की ये अपडेट है, मतलब अभी तक इसकी कोई अपडेट नहीं आई। अगर इसके अंदर इस लिंक के अंदर हम इंटर हों तो आप देख सकते हैं कि प्रोसीजर मुकम्मल बताया गया है, लेकिन अभी तक इस हवाले से किसी भी तारीख का अनाउंसमेंट नहीं किया गया।